Today I am going to tell you about what does valid public watch hour means. सार्वजनिक रूप से देखे जाने के वैध घंटों का क्या अर्थ है? आपको कौन से घंटे जो है वो वैलिड हैं वॉच आवर में और कौन से नहीं है, और कौन से वॉच आवर आपके काउंट होते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि वैलिड वॉच आवर क्या होता है। तो जितने भी वीडियोज आप पब्लिक सेट करते हैं वो वैलिड वॉच आवर में आते हैं और वो यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के थ्रेशोल्ड में आते हैं। थ्रेशोल्ड मतलब क्या है कि आपका 4000 घंटा। वॉच आवर गेन थ्रू द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वीडियो डू नॉट काउंट टूवर्ड्स द YPP थ्रेशोल्ड। लेकिन कौन कौन से वीडियो का वॉच आवर काउंट नहीं होता है, उसमें से है प्राइवेट वीडियो, अनलिस्टेड वीडियो, डिलीटेड वीडियो, एड कैंपेन वाले वीडियो, अगर आपने एड लगाया अपने वीडियो पे तो उसका वॉच आवर काउंट नहीं होता है, वीडियो प्लेड फ्रॉम स्टोरीज एंड शॉर्ट वीडियो, अगर आपकी वीडियो जो लॉन्ग वाली प्ले हो रही है वो शॉर्ट या स्टोरी से आके लोग प्ले कर रहे हैं तो उसका वॉच आवर भी काउंट नहीं होता। लाइव स्ट्रीम दैट आर अनलिस्टेड, डिलीटेड और नॉट कन्वर्टेड टू वीडियो ऑन डिमांड, और अगर आपने लाइव स्ट्रीम किया और उसको अनलिस्टेड कर दिया या डिलीट कर दिया और वीडियो में नहीं कन्वर्ट किया तो उसका वॉच आवर भी काउंट नहीं होता। तो बी केयरफुल, अपनी वीडियोस को प्राइवेट बहुत मत करिए, अनलिस्टेड ना करिए, और अनलिस्टेड जब करे रही है तो बाद में उसको पब्लिक कर दीजिए, और वीडियो डिलीट मत करिए बहुत ज़्यादा, उससे भी वॉच आवर घट जाता है, और अगर आपने एड्स लगाया है तो उसका वॉच आवर भी काउंट नहीं होता है। तो इस तरह से इन तरह के वीडियो का वॉच आवर इनवैलिड या नहीं काउंट होने में आता है। इफ आई मीट द थ्रेशोल्ड डू आई ऑटोमेटिकली गेट इनटू YPP? तो क्या हमारा अगर थ्रेशोल्ड मींस 4000 आवर पूरा हो जाएगा तो क्या ऑटोमेटिकली हमें YouTube पार्टनर प्रोग्राम मिल जाएगा? एवरी चैनल दैट मीट्स दिस थ्रेशोल्ड विल गो थ्रू द स्टैंडर्ड रिव्यू प्रोसेस। ऐसा नहीं है, उसके लिए आपको यूट्यूब जो होता है रिव्यू करता है आपके चैनल को, देखता है कि आपने मोनेटाइजेशन पॉलिसी को फॉलो किया है कि नहीं किया है, आपके उस पर कोई एक्टिव गाइडलाइन स्ट्राइक तो नहीं है, और अगर चैनल फॉलो करता है पॉलिसी को तो आपका चैनल मोनेटाइज ईजिली हो जाता है। What happen if my count drop below the threshold after I apply? अगर हमारा वॉच टाइम उस समय पूरा था जिस समय हमने अप्लाई किया था और बाद में वो घट जाता है तो क्या होगा? तो YouTube बोलता है क्या कि तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा और फिर भी आपके मोनेटाइजेशन के लिए आप मोनेटाइजेशन के लिए वैलिड रहिएगा और आपका चैनल मोनेटाइज होगा और रिव्यू में रहेगा। लेकिन अगर आप कम्युनिटी पे 6 महीने तक कुछ भी काम नहीं करते हैं और उस पर कोई भी वीडियो नहीं डालते हैं, इनएक्टिव रहते हैं, तो यूट्यूब को ये राइट है कि वो आपके चैनल को के मोनेटाइजेशन को हटा दे, रिजर्व द राइट टू रिमूव इट मोनेटाइजेशन। चैनल विल लूज मोनेटाइजेशन व्हेन दे वायलेट एनी टाइप ऑफ यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी। और अगर आप किसी भी चैनल की पॉलिसी को वायलेट करते हैं तो भी आपका चैनल डीमोनेटाइज होगा। दिस लॉस ऑफ मोनेटाइजेशन विल हैपन रिगार्डलेस ऑफ देयर वॉच आवर एंड सब्सक्राइबर काउंट। और ये मोनेटाइजेशन का लॉस जो होता है वो ज़्यादातर लोग जब गलत ढंग से सब्सक्राइबर काउंट्स को बढ़ाते हैं या वॉच आवर को बढ़ाते हैं तब किया जाता है, जिससे चैनल जो होता है वो डीमोनेटाइज हो जाता है। आप फ्रॉड का वॉच आवर ले आइएगा, आप फ्रॉड का सब्सक्राइबर ले आइएगा तो आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा। व्हाट इफ आई डोंट मीट द प्रोग्राम थ्रेशोल्ड? और अगर हम 4000 घंटा किसी तरह भी कोशिश करने पे वैलिड वीडियो डाल रहे हैं, मेहनत पे मेहनत किए जा रहे हैं, समय बीतता जा रहा है और वॉच आवर पूरा नहीं होता, तब क्या करना चाहिए? If you don't meet the threshold yet, keep working to make original content and build your audience.
Here are some resources that can help you grow your channel. Learn solution from other YouTube user in the YouTube help forum. तो उसके लिए आपको YouTube क्या बताता है, आप कोलैबोरेशन कीजिए, आप मर्ज कीजिए, आप लोगों से मिलिए, आप हेल्प फोरम में जाइए। YouTube बहुत खुद ही बहुत सी फैसिलिटी देता है, जिसको आप क्रिएटर साइट पे जाइए, कनेक्ट प्रोग्राम्स एंड रिसोर्स एंड इवेंट, डिफरेंट टाइप के इवेंट्स को फॉलो करिए, लोगों को अपने चैनल में मर्ज कराइए कोलैब करके। चेकआउट यूट्यूब हेल्प चैनल और यूट्यूब का हेल्प चैनल, वहाँ जाइए। यूट्यूब क्रिएटर चैनल टू वॉच ट्यूटोरियल, वहाँ क्रिएटर चैनल पे जाइए, वहाँ पे डिफरेंट वॉच ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल दिए हुए, उनको वॉच करिए। ट्रबल शूटिंग एंड टिप वीडियो फ्रॉम यूट्यूब हेल्प टीम, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए यूट्यूब जो होता है आपके वीडियो पे के लिए हेल्प करता है और उसकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करता है। व्यू रिसोर्सेज अवेलेबल टू यू एज अ क्रिएटर, और अगर एज अ क्रिएटर आपका रिसोर्स अवेलेबल है, आपको फ्री में बहुत वीडियो देखने को मिलते हैं हर टॉपिक से रिलेटेड, तो उसको देख कर भी आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इफ़ यू हैव एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक ऑन योर चैनल, यू कैन अप्लाई आफ्टर योर स्ट्राइक एक्सपायर। अब आपको पता है कि जब स्ट्राइक आती है तो 3 महीने तक आप कोई भी आपके स्ट्राइक पे कोई भी आप चैनल को YPP के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, और 7 दिन तक आप वीडियो नहीं डाल सकते, लाइव नहीं कर सकते। बहुत सी ऐसी कंडीशंस है YouTube की जो आप स्ट्राइक आने पे नहीं करते हो, और अगर जिसने स्ट्राइक डाली है वो कहेगा कि आपका वीडियो टेक डाउन कर दो, तो आपको वीडियो हटाना भी पड़ सकता है। और क्या पड़ सकता है, YouTube खुद ही हटा देता है। यू कैन ऑल्सो अप्लाई आफ्टर योर सक्सेसफुली अपील टू हैव योर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक रिमूव, लेकिन आप उस स्ट्राइक के लिए अपील कर सकते हैं और YouTube से बोल सकते हैं कि ये हमने वैलिड ही डाला था, अपना ओरिजिनल डाला था, प्लीज़ आप फिर से रिव्यू करिए, और हो सकता है आपकी स्ट्राइक हट जाए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। आई वॉज नेवर इन द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम एंड आई एम सीइंग एड्स ऑन माई वीडियो, एम आई अर्निंग रेवेन्यू फ्रॉम दोज एड्स। अगर आपके वीडियो पे एड्स आते हैं और आप YPP के पीपी को कभी आपने ज्वाइन नहीं किया है, फिर भी वीडियो पे एड्स आ रहे हैं, तो क्या आपको अर्निंग होगी? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी निकली है जिसमें उसने हर चैनल पे एड्स लगाना शुरू कर दिया है। एक लिमिट के बाद 100 व्यूज़ आते ही मान आपके ऐड आना शुरू हो जाते हैं, और उनकी पॉलिसी है अगर आप चाहिए तो उन एड्स को स्टॉप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उस एड से कोई रेवेन्यू नहीं होगा। लेकिन अगर फर्दर आप कभी YPP ज्वाइन करते हैं और आपके वीडियो पे ऐड आते हैं, तो आप उससे अर्निंग कर सकते हैं, अगर आपने YouTube चैनल की क्राइटेरिया के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो कर चुके हैं और उसके लिए एलिजिबल हैं YPP के लिए। मिनिमम एलिजिबिलिटी टू ज्वाइन YPP, तो YPP के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होती है? चैनल के हर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को फॉलो करें, ऐसी कंट्री में रह रहे हो जहाँ पर YouTube पार्टनर प्रोग्राम अवेलेबल है, क्योंकि इस समय रशिया, यूक्रेन, इन सब जगह पर YPP रोक दिया गया है। हैव नो एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, आपकी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए चैनल पे, और 4000 घंटा वैलिड होना चाहिए जो 12 महीने के अंदर होना चाहिए, और 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, आपके 2-स्टेप वेरिफिकेशन होना चाहिए, वैलिड ID होनी चाहिए। तो जितनी 3 एलिजिबिलिटी कस्टमाइजेशन के समय चैनल में होती है, वो सारी चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए, YouTube पार्टनर प्रोग्राम तभी मिलता है आपको। तो उसके लिए आपको 4000 घंटा और 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना सबसे ज़रूरी है, उसके बाद आपको ऐड मिलता है,
लगाने को, और तब उसके बाद आपका चैनल रिव्यू में जाता है कि मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा। वो यूट्यूब रिव्यू करता है, फिर आपका चैनल मोनेटाइज होता है। तो बी केयरफुल, आप वैलिड वॉच आर लेकर ही आगे बढ़ेंगे तभी आपका चैनल मोनेटाइज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर। इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन, इट इज इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द वॉच टाइम, और इफ यू फील दैट इट इज गुड देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो मैं हर बार कहती हूँ लेकिन आप लोग भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।